इन्वायरमेंट को देखा है। आप में से कई लोग रहते हैं जो काम कर भी रहे हैं, इसकी मध्यप्रदेश से अनजान हो ऐसी बात नहीं है। मैं इतने कहना चाहूंगा कि एक तरफ है मध्यप्रदेश में प्रदेश के विकास की, और हमने एक संकल्प लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हमारा देश, इसका संकल्प लिया है और समय सीमा निर्धारित की है। मुझे लगा कि जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो राज्यों को करोड़ रुपये उस पर करना चाहिए, राज्य जब करेंगे तभी देश $5 ट्रिलियन पर पहुंचेगा। तो हमने खूब एक्सरसाइज की, मध्यप्रदेश की संभावनाएं देखी और देख के फिर हमने तय किया 2026 तक मध्यप्रदेश को बनाएंगे $550 बिलियन की इकोनॉमी, और बनाने के लिए हमने रोड मैप पर तय किया किस सेक्टर में कितना काम करेंगे, उसका परिणाम कैसे आएगा जिससे हम $550 बिलियन की इकोनॉमी बन सके। तो मैं कई सेक्टर है, हमारा इंफ्रा का क्षेत्र है, हमारा हेल्थ का है, हमारा एजुकेशन का है, हमारा एग्रीकल्चर का है, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी बढ़े, पर कैपिटल इनकम कैसी बढ़े, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन एक उसमें प्रमुख भाग निवेश का, क्योंकि मध्यप्रदेश में हम एग्रीकल्चर में सेचुरेशन पॉइंट पर लगभग पहुंच चुके हैं। एक जमाना था मध्यप्रदेश में पानी बिजली सड़क कुछ नहीं थी, लेकिन हमने जब मैंने सरकार संभाली तो 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई होती थी, अब 45 लाख हेक्टर में सिंचाई हो गई और 65 लाख हेक्टर तक हम बढ़ रहे हैं, तेजी से हमारी योजनाओं पर काम चल रहा है। परिणाम जो होते मध्यप्रदेश ने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया, हम गेहूं हो, राइस हो, पल्सेस हो, हाइसिंस हो, उनमें हमारा जो उत्पादन है नंबर वन कई में है, कुछ में नंबर टू है, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह की तरफ भी जा रहे हैं। तो मेरे कहने का देख खेती की सीमाएं, उससे ज्यादा हम खेती को नहीं कर सकते। अब हमारी बाकी जो हमको मंजिल तय करनी है, रास्ता तय करना है, वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से करना है, और इसलिए हमने अलग अलग सेक्टर की अपनी पॉलिसी बनाई, उसमें फार्मा सेक्टर बहुत प्रमुख इसलिए है कि फार्मा की उपस्थिति मध्यप्रदेश में काफी लंबे समय से है। सन फार्मा, पिरामल, काली पंचपला, अनेकों ग्रुप्स छोटे बड़े हमारे पहले से काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि संकट के दौर में कोविड के जमाने में मध्यप्रदेश ने दवाइयों का, इंजेक्शन का एक्सपोर्ट करके दुनिया के बाकी देशों की भी बहुत बड़ी मदद की ड्यू टू फार्मा सेक्टर। तो मुझे खुशी भी है उसकी, और इसलिए हम लोग फार्मा सेक्टर पर भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्यप्रदेश में सकारात्मक इकोसिस्टम फार्मा प्रेजेंटेशन में देखा, अलग अलग इलाकों में हमारे फार्मा की यूनिट स्थापित है। हमको लगा कि सेक्टर को हम फोकस करेंगे, मेडिकल डिवाइस पार्क में विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में आ गया है, अलग अलग जगह हम ये सोच रहे हैं कि फार्मा पार्क ही बना दें। आपके सुझाव भी अभी आएंगे, मैं कम बोलूंगा आप ज्यादा बोले, तो फार्मा पार्क भी डेवलप किए जा सकते, क्योंकि एक सी सुविधाएं अगर एक इलाके में देख लें तो इंडिविजुअल इंडस्ट्री अकेले के हिसाब से बेटर ये होगा कि इकोसिस्टम पूरा मौजूद है, जहां आसानी से सभी सुविधाएं, R&D की सुविधाएं या सामूहिक भी कुछ हो सकती है। फिर अगर हमको ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह भी बनाना है तो ऐसा हो सकता है कि एक बन जाए और सब उससे जुड़ जाए, प्राइवेट जो इन्वेस्ट करना आप करें बाकी एक जगह हो जाए, कई तरह की चीजें हो सकती है। वो आप मुझसे ज्यादा बेटर समझते हैं, तो मैं एक्सपर्ट नहीं, लेकिन इच्छा सकते हैं, हम करेंगे ही, हमको करना ही है। व्यवस्थाशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश को अपना योगदान देना ही है। मोदी के नेतृत्व में आज भारत ने बहुत गर्व और गौरव का स्थान प्राप्त किया है, और इसलिए आप ये मत मानिएगा कि मुख्यमंत्री को एक एक्सरसाइज करनी थी कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट लाने का, तो एक कार्यक्रम कर लो, अखबार में छपवा दो, ये बिल्कुल नहीं है, ये दिल की तरफ से मैं आपके बीच आया। देखिए मध्यप्रदेश में आप जो प्रयास हमने किए, करंट प्राइज रेट पे हमारी ग्रोथ रेट है 19.76% नंबर एक पे है। भारत की अपने देश की इकोनॉमी में पहले हमारा योगदान हुआ करता था 3.6% और वर्ग के होकर 4.6%, कभी 3.5 लाख करोड़ रुपए की हमारी
कुल मिला के जीएसटी होती थी, आज 11.5 लाख करोड़ पार करके और तेजी से पड़ना चाहते हैं। पर हमारी अभी 13,000 रुपया थी, 36,000 हो गई, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, बहुत बढ़ा है, तेजी से बढ़ा। तो जो प्रयास कर रहा उसके परिणाम अब सो फार्मा सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण रोल और प्ले कर सकता है। और जब ये सेक्टर केवल इन्वेस्टमेंट का सेक्टर नहीं है, सेवा का सेक्टर, अगर आप जीवन रक्षक दवाइयां बनाते हैं तो आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। एस्टेराइड जैसी चीजें ना होती, उस समय कोविड था तो कई गाने भी बचती, मोदी जी की लीडरशिप में हमने वैक्सीन बना के दुनिया के कई देशों के लिए बनी, कई जीवन रक्षक दवाइयां बना के हम लोगों की सेवा करते हैं, पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा अपनी। और इसलिए हम तो मिला के फार्मा सेक्टर पर हम फोकस भी करें और आपके साथ हम बैठे, जैसा आपको यहां बताया मेरे मंत्री ने भी, आपको बताया रजगांव जी ने भी, संजय ने भी आपको बताया कि अलग अलग जो निवेश आता है उसको हम नीति के अंतर्गत सुविधा देते ही है। पेन ड्राइव आपने नीति कर दिया और कुछ कर दिया, पेन ड्राइव वगैरह आप देख लेंगे तो डिटेल्स में मिल जाएगा। लेकिन सीसीआई की अगर कोई विशेष ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो उस पर हम विचार करके परिस्थितियों के हिसाब से और क्या हमको देना चाहिए उस पर भी हम विचार करते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को एक बहुत शांत प्रदेश है। अब किसी जमाने में डाकू हुआ करते थे मध्य प्रदेश के चंबल के बिहार में, मुंबई में, चंबल भी बहुत बनती थी, अब सारे साफ कर दिए, कोई तो डाकू डाकू नहीं है वहां बना रहे। एक्सप्रेस वे चंबल के बिहार अटल एक्सप्रेस वे, हमारे पास में जमीन पड़ी बीआरएस, उनको हम लोग प्लान कर लेंगे, टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं और पूरा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिहार में, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हम अटल एक्सप्रेस वे शानदार 4 लेन रोड बना रहे, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल ट्रांसफर प्लान बन रहे। एक हमारे कल्पना नर्मदा एक्सप्रेस वे की सीधे अमरकंटक से शुरू होगा, गुजरात तक बड़ौर तक सीधे हम ले जाएंगे, तो पूरे मध्य प्रदेश को चीरते हुए लगभग 2.5 लाख करोड़ मिल जाएगा और दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, टाउनशिप्स, बाकी सबके लिए हम जमीन सुरक्षित करें। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हम इंदौर के पास हम बनाने का, तो एक तड़प है हम लोग तेजी से इन सब चीजें करें। आज हम फोकस करेंगे फार्मा सेक्टर पर और एक मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जो कहेगा वो करेगा। मेरे ऑफिसर से बैठे हुए हमारी ब्यूरोक्रेसी, इनके मौके प्रशंसा करने के लिए कह रहा, लेकिन आप जो वहां काम कर रहे हैं फील किया होगा, हम निवेशक का रिस्पेक्ट करते हैं, उसको रिस्पांस देते हैं और हम ये नहीं मानते कि इसकी अटकी है, इसकी आया, हम ये मानते हैं कि ये हमारे देश के लिए काम कर रहा है, देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, तो हम एक आदर का भाव रखते हुए हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर आप निवेश करने आ रहे हो देश से बाहर से भी आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप मध्य प्रदेश और देश की मदद करने के लिए भी आ रहे हैं, तो आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ये एकात्मता का भाव अगर मन में पैदा हो जाए कि दिन दिन सिचुएशन है, कुछ आपको मिलेगा कुछ हमें मिलेगा, तो कुल मिला के देश इतना आगे बढ़ेगा और ये सेक्टर ऐसा है कि इसको दुनिया में एक्सपोर्ट करके हम दुनिया की मदद भी कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी ले जा सकते हैं। तो हम दिल से इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं और आप एक है। जैसे मैं अद्वैत के सिद्धांत को मानता हूं कि एक ही चेतना हम सब में विराजमान है, जो शंकराचार्य जी महाराज ने कहे थे, और इसलिए शायद हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परिवार है, आत्मवत्सर्व भूतेषु जीव पर जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब उसी से निकल गई है। तो मैं अगर आया हूं तो इस भाव के साथ मिलकर हम लोग काम करें, आप निवेश कीजिए, हम आपकी मदद करें, कुल मिला के मध्य प्रदेश की मदद होगी, कुल मिला के देश की होगी और फार्मा सेक्टर के बाद तो दुनिया की मदद भी होगी। पर ये आपका स्वागत है, क्वारी कुछ अगर करनी है, आपको कुछ पूछना है, बताना है, तो हम लोग यहाँ चर्चा कर सकते हैं, जितना समय है उस समय की सीमा में हम यहाँ भी चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर मिलना हो तो भोपाल में भी आपका स्वागत है। इतना मैंने निवेदन जरूर करूंगा कि हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं देश की 11 जनवरी 2023, उसके पहले 8, 9, 10 को एनआरआई का सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन जो होता है
वो भी मतलब केस हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, माननीय राष्ट्रपति जी भी आएंगे, उससे लगे लगाएंगे। तो मैं हृदय से अंदर आत्मा से कहने के लिए नहीं, माई हार्ट आपसे ये पूरी करता हूं कि आप जरूर ग्लोबल इंडस्ट्री समिट में बताइए और फार्मा सेक्टर पर भी असर होगा। हाँ, B2B मीटिंग्स भी होंगी, हम भी आप लोगों को बाकी लोगों से मिलना दुनिया भरने का काम भी करेंगे, दुनिया के कई देशों के लोग आएंगे ऐसा मेरा अपना विश्वास है। और मदद कैसा अच्छा राज्य तो कहीं ने देखा है कि देखने भी आए थे, हमने इतना अच्छा श्री महाकाल महालोक बनाया, भाग्य देखी सिर्फ सृष्टि की रचना की है। तो अगर आप निवेश नहीं करना चाहें तो महाकाल महाराज के दर्शन करने आए, तो शेर की टाइगर देखना हो, पैंथर देखना हो, आपको लेपर्ड देखना हो, और आप मोदी जी चीता भी ले आए तो चीता देखना हो, तो उसके लिए भी मतलब टूरिज्म की भी बेहतर डेस्टिनेशन है। मैं दिल से आपका स्वागत भी करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए मध्य प्रदेश, निवेश भी कीजिए और सभी बताइए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।